भाई ये संडे को क्या क्रेजी कर दिया इन लोगों ने यार। हैदराबाद और राजस्थान का मैच ऐसा कभी ना देखा ना कभी देखने को मिलेगा। लास्ट बॉल 5 रन टू विन, उस पे अब्दुल समाद शॉट मारता है और कैच आउट हो जाता है। फिर सीधा एक ट्विस्ट नो बॉल बाय संदीप शर्मा एंड अगली बॉल पे 4 रन टू विन और सीधा 6 मार देता है। इतना ड्रामेटिक फिनिश कहां देखने को मिलता है भाई। एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, मैच ही पलट दिया। भाई सच सच बता दो, इस साल की आईपीएल की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? ये मैच की स्क्रिप्ट तो सारी बॉलीवुड मूवीज तक को फेल कर देगी। गॉट अ फील सैड फॉर संदीप शर्मा यार। एक मोमेंट तुम जीत सेलिब्रेट कर रहे हो और अगले ही पल तुम्हारी वजह से तुम्हारी टीम हार जाती है। यार क्रिकेट में हम ऐसे मोमेंट्स के सपने देखा करते थे लेकिन इन्होंने तो सच में कर दिया और अब्दुल समद को मान गए भाई। ऑलमोस्ट एक पल में मैच हराया, फिर अगले ही पल में मैच जिताया 6 मार के, और उसके बावजूद भी इतना काम और चिल दिखाई दे रहा था जैसे रोज का काम हो। वो 6 जो संदीप शर्मा के अगेंस्ट एमएस धोनी तक नहीं लगा पाए थे वो अब्दुल समद ने करके दिखा दिया, तो तारीफ तो बनती है ना भाई। एक पॉइंट को उम्मीद टूट गई थी लेकिन फिर से अपॉर्चुनिटी मिली और उसको दोनों हाथों से ग्रैब किया बंदे ने। भाई मैं तो बोलूंगा ग्रेटेस्ट रिडेम्पशन ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि यही बंदा था जो लास्ट मैच में केकेआर के अगेंस्ट 9 रन नहीं बना पाया था 6 बॉलों में। इससे दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि व्हेन लाइफ गिव्स यू सेकंड चांसेस बी एन अब्दुल समद एंड नॉट अ रियान पराग। जिस बंदे को कभी रियान पराग से कंपेयर किया जाता था आज उसको एमएस धोनी से कंपेयर किया जा रहा है। अरे तुम्हें क्या पता है, इस फिनिशिंग का राज भी अपने थाला की टिप्स ही है। तू समझा? हां नहीं तू समझा नहीं। समद भाई यार आपको हमारी तरफ से एक पुच्ची यार, आपने हमारी काव्या का दिल रख लिया यार, टीम को पूरी तरह एलिमिनेट होने से बचा लिया। अगर आज हैदराबाद एलिमिनेट हो जाती तो भाई काव्या का दुख मुझसे तो ना देखा जाता। और देखो बहुत लोगों को सवाल होंगे, कुछ लोग को ये मैच फिक्स्ड भी लग रहा था, कुछ लोग को ये पूरी चीज कोइंसिडेंटल और बिलीवेबल भी लग रही है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा भाई इट्स नॉट दैट इजी, ना ही इतना क्लियर है। आई मीन माना ऐसा क्रिकेट में बहुत रेयर होता है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हो नहीं सकता कुछ चमत्कारी। तुम कमेंट्स में लिख देना है तुम्हें क्या लगता है, ये रियल था या फिक्स्ड। वेरी गुड क्वेश्चन। मैं तो कहूंगा जो भी था भाई हमारी संडे रात को एंटरटेनिंग बना गया, वरना दोपहर का छोटे मियां वर्सेस बड़े मियां वाला मैच तो एकदम वन साइडेड निकला। भाई एक बात बताओ, जैसे रहाने को भी चांस मिला है अब इंडियन टीम में वापस से, तो वैसे ही अगर केएल राहुल इंजर्ड है तो क्या हम रिद्धिमान साहा को उसकी जगह नहीं ला सकते टीम में? आई मीन इस बंदे का फॉर्म देखो, बैटिंग के साथ और कीपिंग में भी इतना एजाइल है, तो भाई WTC फाइनल में जगह तो बनती है इसकी, स्पेशली जब हमें एक एक्सपीरियंस्ड और इन फॉर्म कीपर की बहुत जरूरत है। भाई बड़े बड़े ओपनर तक ऐसे स्ट्राइक रेट से नहीं खेल पाते जैसे कल साहा भाई खेल के गए हैं। कोई नहीं बोल सकता कि ये टेस्ट स्पेशलिस्ट कीपर है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। विराट भाई और वेरी चालाक ब्रो, चालाक ब्रो, चालाक। रिद्धिमान साहा लखनऊ के अगेंस्ट अच्छी बैटिंग कर रहा था तो सीधा स्टोरी पे डाल दिया और राशिद खान की कैच आपको बेस्ट कैच लगने लग गई। सब समझ आ रहा है भैया हमें, सब समझ आ रहा है। भाइयों तुम्हें भी पता है साहा तो बहाना है, असली में तो चीकू को गौती भाई को चिढ़ाना है। अबे क्या कर रहा है, धत पे मरता लेके बहुत बकवास करता है वैसे भी। अबे सालो खाना बाना खाते हो कि नहीं, जोर से घुमा के दो पेट में। और भाई इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया करो क्योंकि वहाँ पे ऐसी मस्त मस्त चीजें शेयर होती रहती है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल ही जाएगा। और भाई अगर तुम कोहली भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो और मुझे नहीं कर रहे तो मिस आउट कर रहे हो, कर लो यार। वैसे कल एक ही दिन में 3-3 सेंचुरीज मिस हो गई, शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा दोनों टॉप नॉक खेल के गए और उसके बाद जॉस बटलर भी इन्फॉर्म आ गया वापस। शुभमन भाई ने मिड मैच इंटरव्यू में बोला कि इस बार मिस हो गई लेकिन मेरी सेंचुरी जल्द ही आने वाली है। बताओ भाई यंगस्टर्स ऐसे होते हैं जो आईपीएल में सेंचुरीज मारने के सपने देखते हैं, वरना कुछ यंगस्टर्स तो ऐसे हैं जिनसे 30 रन भी नहीं बन पा रहे। डिफरेंस ये है कि जहां हमारे सपने पूरे होते हैं वहां इनका स्ट्रगल शुरू होता है। हाँ। लेकिन तुम मानोगे नहीं भाई, शुभमन गिल अपना वाइस कैप्टन था और बटलर अपना नेक्स्ट मैच में कैप्टन। ये मेरी फैंटेसी टीम्स पे कैसा कर्ज है कि मुझ पे ही उल्टा पड़ जाता है। भाई मैं तुम्हें खुद दिखाता हूँ, क्रोनोलॉजी समझना कि दो दिन से हो क्या रहा है। देखो सैटरडे को दोपहर का मैच मुंबई वर्सेस चेन्नई, जिसमें रोहित शर्मा कैप्टन खराब खेला, डक निकला और दीपक चहर वाइस कैप्टन अच्छा खेला। शाम को दिल्ली वर्सेस RCB जिसमें कोहली कैप्टन जो की अच्छा खेला और वाइस कैप्टन अमन खान जो की खेला ही नहीं। और संडे को भी एकदम सेम, दोपहर को क्रुणाल पांड्या कैप्टन जो की डक पे आउट हो जाता है और शुभमन गिल वाइस कैप्टन जो की अच्छा खेलता है। और शाम वाले मैच में बटलर कैप्टन अच्छा खेला, हैरी ब्रुक वाइस कैप्टन खेला ही नहीं। भाई तुम क्रोनोलॉजी समझ लो, यहाँ पे कुछ तो पैटर्न बन के निकल रहा है। अब क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अब ये कोइंसिडेंस था या क्या था ये मुझे नहीं पता यार। ऊपर से इस सैटरडे संडे चारों प्रेडिक्शन सही और एक्चुअली में सही, कोई पनौती वनौती नहीं लगी। पहले फ्लिप करने के चक्कर में बोला CSK जीतेगी तो वही जीत गई, DC बोला जीतेगी ताकि RCB जीते लेकिन फिर DC जीत गई, और कल के मैच में भी बोला गुजरात टाइटंस जीते, जीत गई, हैदराबाद जीते, जीत गई, हारता हुआ मैच जीत गई। भाई एकदम से मेरी प्रेडिक्शंस उल्टी होने के बजाय सही कैसे होने लग गई समझ में नहीं आ रहा। डबल हेडर्स में 4 में से 4 प्रेडिक्शन सही, इतनी एक्यूरेसी, अब तक तो मुझे जनरल 2 की शूटिंग के लिए बुला लेना चाहिए था। कल ऊंचा उड़ने के लिए पैदा हुआ हूं मैं, पूरा आसमान अपनी मुट्ठी में करना है मुझे, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है यार।
आगे देख कहाँ कहाँ जाता हूँ मैं। वैसे भाई इस सीजन कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो गया पॉइंट्स टेबल पे भी। अब तक तो सिर्फ आरसीबी के फैंस को कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती थी, लेकिन इस साल लग रहा है सब टीम्स के फैन को कैलकुलेटर खरीदना ही पड़ेगा। अभी तक कोई टूर्नामेंट से एलिमिनेट क्यों नहीं हुआ है भाई। गुजरात और लखनऊ का मैच वैसे तो बड़ा वन साइडेड था, लेकिन सबसे बढ़िया चीज यही हुई कि साहब भाई पैंट उल्टी पहन के खेल रहे थे। एक्चुअली वो एक मैसेज भेजना चाह रहे थे कि तुम पंत को मत देखो, मुझे देखो डब्ल्यूडीसी फाइनल के लिए। ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है। इतना गंदा जोक था भाई, सॉरी। केएल राहुल जब से गए हैं लखनऊ के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अंदर से खोखला हो चुका हूँ, टूट चुका हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक खत्म हो चुका हूँ। अब तो बचे तीन में से तीन मैच जीतने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर दो भी जीतते हैं तो 15 पॉइंट्स पे अटक जाएंगे और मिनिमम 16 तो चाहिए ही तुम्हें क्वालिफाई करने के लिए। कहां टॉप 3 में फिनिश कर सकती थी, अब टॉप 4 में भी नहीं आ पा रही। और माना भाई राहुल भाई की कॉन्ट्रीब्यूशन उतनी खास नहीं थी बैट के साथ एटलीस्ट, लेकिन कैप्टेंसी बंदे की हमेशा पिन पॉइंट एक्यूरेट रही है और ब्रिलियंट रही है थ्रू आउट। एंड जब से बंदा नहीं है टीम में तब से टीम मैचेस हार रही है, जो कि डिफरेंस बना देता है। फाइनली टीम से डीकॉक खेला, और क्या खेला, और लगता है अकेला वही खेला। काइल मेयर्स को मिला के इन दोनों ने कोई ठीक ठाक बैटिंग कर ली, बाकी सब तो आरसीबी का मिडिल ऑर्डर कॉपी कर रहे थे। मार के टट्टी निकाल दूंगा तेरी। एंड भाई इस मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम के साथ ये क्वालिफाई नहीं कर सकते। दीपक हुडा और कृणाल पांड्या की बैटिंग इस समय क्रिमिनली खराब है टीम में, और इस वजह से सफर कर रही है टीम। तो यहां से तीन मैचेस जीतना है इस मिडिल ऑर्डर के साथ इम्पॉसिबल है। इसीलिए इस फैक्ट को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाए तो दुख कम होगा कि भाई ये टीम अब ऑलमोस्ट बाहर है। भाई गुजरात टाइटंस एक इकलौती टीम होगी जिसके हर बैट्समैन ने इस सीजन रन मारे हैं। साहा ले लो, शुभमन गिल ले लो, विजय शंकर ले लो, चाहे तुम साई सुदर्शन ले लो, अभिनव मनोहर ले लो, हार्दिक पांड्या ले लो, राहुल तेवतिया ले लो या डेविड मिलर ले लो, हर बंदे ने इस सीजन रन मारे हैं। और हर बॉलर ने इतना अच्छा खेला है, इनके दो बॉलर्स तो पर्पल कैप की रेस में है। इन्होंने ऐसा क्या क्रैक किया है जो बाकी टीम्स नहीं कर पा रही, ये मेरी समझ के बाहर है। और लगता है इनकी स्ट्रेटेजीज को स्टडी करने के लिए पूरी टीम बिठानी पड़ेगी, क्योंकि ये कैसे इतनी आसानी से मैचेस जीत जाते हैं ये नहीं समझ में आता। ये तीन मैचेस हारे और पैटर्न सेम है, कोई ना कोई मिराक्युलस चीज हुई है जिस वजह से हारे हैं। ट्रूली भाई वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट डिजर्विंग टीम्स दिस सीजन एज वेल। एक कंप्लीट टीम जो कि डोमिनेट करती है और इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, बल्कि एक टीम एफर्ट पे डिपेंड करके हर मैच जीत लेती है। ऐसी टीम प्लेऑफ्स में तो आ ही जाएगी, लेकिन उसके बाद भी उनको हराना बहुत मुश्किल होगा। दे आर टू स्ट्रॉन्ग भाई, आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये फिर से जीत जाते हैं। भाई राजस्थान रॉयल्स पूरा सीजन इतना अच्छा खेल रही थी, लेकिन अब जाके क्या हो गया है, क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी क्वालिफाई नहीं करने वाली। भाई तीन मैचेस लगातार हार गई। एंड नो डाउट इस मैच में बैटिंग काफी अच्छी हुई, सैमसन बटलर जयसवाल सब अच्छे फॉर्म में दिखाई दिए। कैप्टेंसी काफी एवरेज थी, ट्रेंट बोल्ड नहीं था और उसके बाद भी ओबेड मैकगॉय को अच्छे से यूज नहीं किया गया। एकदम से उसको ले आए सीधा प्रेशर वाला ओवर डालने के लिए, अगर उसको पहले लाया गया होता तो शायद परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर होती। खैर ये भी मानना पड़ेगा लास्ट ओवर में संदीप को लगाना वॉज नॉट अ बैड डिसीजन, बट खराब किस्मत की वजह से मैच और हार गए। ऊपर से दो इंपॉर्टेंट कैचेस और एक हॉन्टिंग नो बॉल, यही छोटी चीजें होती है जो तुमसे जीत छीन लेती है। अब ये लोग बचे तीन में से एक भी मैच नहीं आ सकते, लेकिन मैचेस कोलकाता आरसीबी और पंजाब के साथ है जो कि खुद भी क्वालिफाई करना चाहेंगी, यानी हर मैच वर्चुअल एलिमिनेटर। अब तो भाई जो जीतता जाएगा वो आगे जाता जाएगा। हैदराबाद फाइनली थैंक यू यार, तुम लोगों ने हमारी सुन ली और फाइनली ग्लेन फिलिप्स को ले आए, और फैंस को शटअप करने वाले जनरेशनल टैलेंट को बिठाने के लिए शुक्रिया। भाई इसे कहते हैं पैसा वसूल परफॉर्मेंस, और इसे कहते हैं फ्रॉड। पहले ही मैच में फिलिप्स ने आके अंडर प्रेशर ऐसी इनिंग्स खेल के कितना डिफरेंस बना दिया ये दिख रहा है। ये हैरी ब्रुक ने जितना हमारी काव्या का दिल दुखाया ना, माता रानी इसको पाप चढ़ाएगी। खैर इस टीम के लिए भी मामला कोई सिंपल तो रहा नहीं भाई, सारे मैचेस जीत गए तब भी चांसेस बहुत कम है, डिपेंड करना पड़ेगा कि बाकी टीम्स हारे। बट प्रैक्टिकली तुम्हें भी पता है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि ये क्वालिफाई हो जाए। यार फाइनली अगर पंजाब केकेआर को इस मैच में हरा देती है तो शायद हमें एक एलिमिनेटेड टीम मिल जाएगी, लेकिन केकेआर भी कम थोड़ी है, क्या पता स्क्रिप्ट में कुछ और ही लिखा हो। देखो मैं अपनी फैंटेसी टीम बना चुका हूँ और अब एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से लिविंगस्टन को कैप्टन बना दिया है, और वाइस कैप्टनसी सुनील नारायण को दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी जो वाइस कैप्टन फॉर्म में नहीं होता वो शायद फॉर्म में भी आ जाता है। तो देखते हैं भाई क्या होगा, बट आई फील कि एक अच्छा मैच होने वाला है। बाकी अगर तुम्हें मुंबई चेन्नई और आरसीबी के क्वालिफिकेशन चांसेस के बारे में जानना है तो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। नहीं भाई साहब एक्चुअली एक आदमी नहीं है दो आदमी हैं, वो काफ़ी परेशान किया उन्होंने मुझे। कौन है? है बड़े लेवल के आदमी हैं भाई साहब। बता दो लेवल में लाएंगे उनको, अब रिश्ता जुड़ा है तुमसे, तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी है, भगवान की दया से इस शहर में हमको कोई परेशान नहीं कर सकता। बताओ कौन है?